Hello dear students, this is Harish Khan and I welcome you all to Utkarsh Law Classes. This is your master for current affairs and GK. And I hope all of you must be doing good. और पढ़ रहे होंगे जो हमने कल यहाँ पे पढ़ा था, कल परसों नरसों जब भी हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, अदरवाइज फिर भूल जाओ कि कोई भी वनकम, यस वनकम, सबको वनकम, गुड मॉर्निंग, हेलो सुप्रभात, हेलो चंचल, हेलो महेंद्र, हेलो नियाज, नजिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि भैया किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है न्यूज़पेपर और जिसमें हम लोग थॉट प्रोसेस को भी डेवलप, ओके वंडरफुल मॉर्निंग बच्चे, जिसमें हम थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं। सिर्फ इतना नहीं कि आपको एक टेक्निकलिटी समझ में आ जाए करंट अफेयर्स की, इतना सा हमारा एम नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं भाई, टाइम से है सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टाइम और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें वैल्यू एडिशन चाहिए, करंट अफेयर से हमें लेना क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। करंट अफेयर्स में हमें ये बात नहीं है कि टेक्निकली अगर ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाने वाली है इतनी ही हम लोग देखेंगे, नहीं, नॉट नेसेसरीली। अगर हमें कोई चीज़ एग्जाम में भले ही पूछी, कोई कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, हेलो अभिषेक, गुड मॉर्निंग बच्चे, ज्योति, चंदन, नेहा, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो चीज़ हमेशा सेम रहती है कि हमें उससे क्या वैल्यू लेनी है। आपके एजुकेशन से आपको वैल्यू लेनी है, हमेशा ही आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, वी आर ऑन टाइम और फिर हम शुरू करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं किस बारे में, पर्टिकुलरली द हिंदू के बारे में, न्यूज़ के एनालिसिस के बारे में, या फिर ऐसा कोई डेटा जो न्यूज़पेपर में आया हो और वो आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है उसके बारे में, ठीक है। तो यस, हेलो गौरव, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्च 23, 2022, आज हम लोग बात कर रहे हैं शहीद दिवस या शहीदी दिवस के बारे में भी, ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे कोट ऑफ द डे क्या कहता है। Life is like riding a bicycle. That's great. To keep your balance, you must keep moving. That's simple. दो पहिए की एक ऐसी चीज है, आपकी जो जीवन, आपका लाइफ है वो एक दो पहिए की चीज है। आप जब तक चलते रहेंगे, आप जब तक मूव करते रहेंगे, and until and unless you stop, जब आप रुक जाएंगे आपके लाइफ में सब काम, आपको ये याद रखना है कि भैया अगर मैं रुक गया है ना तो मैं गया, समझ लो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं मूव करता रहूंगा, मेरी लाइफ एक बाइसिकल है जो चलती रहेगी, गाड़ी है, दुपहिया है, मेरा एक ऐसा वाहन है जो दुपहिया है। चार पहिया अगर होता तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं से चला लेता। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मूव नहीं करना चाहते, अगर आप स्टैग्नेंसी चाहते हैं तो आप अपने लाइफ को चार पहिया भी बना सकते हैं और वही कोशिश में आज आप लगे हुए हैं। उन चार पहियों में से दो पहिए आपके जीवन के, एक है आपका संघर्ष जो भी आप कर रहे हैं, किस लिए चाहते हैं, एक तीसरा पहिया जोड़ने के लिए जो आप एडुकेशन में गिनते हैं, और एक चौथा पहिया जानते हैं जो आपको जोड़ना है, किस चीज़ के लिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए ना आपको लाइफ में, उसके लिए एक चौथा पहिया भी जोड़ना है, उसमें आपको ये चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ में पर्पस हो। तो और दो पहिया आपको जोड़ने हैं, जो एक एडुकेशन है और एक है आपका पर्पस। तो इन दोनों को अगर आपने जोड़ लिया तो किस्सा खत्म, आपकी चार पहिया लाइफ हो जाएगी, चार पहिया गाड़ी हो जाएगी, कहीं आपको मूव करने की जरूरत नहीं है। स्टैग्नेंसी भी लाते हैं लाइफ में तो भी इट्स फाइन, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा लाने के लिए, लेकिन हाँ इन जनरल अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई दुपहिया वाहन चलते ही रहना पड़ेगा, सर आलस आ जाएगा बहुत दिनों के बाद, अब नहीं होता है सर, बहुत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है ना, बात तो थोड़ी ना है शहीद दिवस, ओके ठीक है, हाँ हैप्पी नहीं, हाँ वी विश यू, यस यू कैन विश अस, है ना, हम याद कर सकते हैं उस चीज़ को, क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये याद रख लो भाई साहब, ये दोनों चीज़ें याद रख लो, दोनों चीज़, दो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मैंने आपको बताई, एक तो एजुकेशन है आपका, है ना, एजुकेशन एक है जो आपको एक तीसरा पहिया प्रोवाइड कराने वाला है, ठीक है, एजुकेशन, और एक चौथा पहिया क्या है, पर्पस, पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, यस पूजा, है ना। क्या है 23 मार्च शहीद दिवस, शहीद दिवस, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये एक तो चीज है ना, ये शहीद वाली जो चीज है इसके बारे में तो आज हम डिटेल में बात करेंगे ही। इसके बारे में क्या मतलब, ऐसी चीज जो इसे रिलेट करती है, भारत के ही ऐसे कुछ लोग जो इतने समझदार, इतने विवेक के साथ में लड़ने के लिए उतर आए, क्रांतिकारी बन गए, लेकिन अपनी क्रांतिकारी जो मनोभूमिका है उसको उन्होंने लोगों के सामने ऐसे पेश किया कि कहीं भी वो गलत साबित ना हो, है ना। सीवीसीटी, यस, अगर उसके बारे में कोई डिटेल में जो अगर कोई आने वाली अनाउंसमेंट, तो वो जब आएगी तब आई लेट यू नो कि हाँ उसके बारे में हमारे लिए, लॉ के लिए क्या डिटेल अनाउंसमेंट है, ठीक है। हाँ उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी के लिए कोई अनाउंसमेंट अगर आपको चाहिए तो फिर दैट वी कैन लुक इनटू, ठीक है। बेसिकली जो आई है, बेसिक अनाउंसमेंट जो आई है उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से अनाउंसमेंट वीडियो डाला था कि कैसे सीयूसीटी क्या होगा या सीयूईटी क्या कैसे कन्वर्ट होने वाला है, भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है। अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं शहीद दिवस के बारे में, उन्होंने हमें, यस जय हिंद रणवीर, इन जनरल भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद,
इन जनरल अगर मैं आपको बता दूं तो क्रांतिकारी स्टेप उठाए अगर सॉन्डर्स की हत्या होती है, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या के पीछे की वजह भी तो वैसी थी, उनको कुछ चीज़ का बदला लेना था, किसी चीज़ के बारे में डील करना था, ठीक है, बड़ा यंग अफसर था, वो सब चीज़ें अलग है, ठीक है, उनको ये करना था भैया, सिंपल सा लॉजिक है, लाला लाजपत राय की डेथ को उनको अवेंज करना था, इसलिए उन्होंने उसको किल किया, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल डेटा या बैकग्राउंड तो आपको सब पता होता है, या फिर पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकना हो गया, असेंबली में बॉम्ब फेंकना हो गया ऑब्वियसली, तो असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद भी उन्होंने ये कंक्लूड किया था या बोला था कि किस प्रकार से हमने ये किया है, इसलिए क्योंकि जिनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उनके कान खोलने के लिए बम फेंके हैं, सिर्फ आवाज करने के लिए बम फेंके हैं, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जब आप इतने प्रेरित है, आपके एक जो आपका मोटो है वो इतना अच्छा है, सेट किया हुआ है कि भाई साहब किसी कान बंद है उसके, हमें कान खोलने इसलिए हम जाके वहां पर ये आवाजें कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं कर रहा है, वहां पर आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से भारत भूमि के ऐसे पुत्रों पे हमें हमेशा के लिए गर्व होता रहेगा जो हमारे विवेक को कभी हीन नहीं होने देते। तो इसीलिए आप, मैं आप सबको यहां पर शुभकामनाएं, शुभकामनाएं तो क्या देंगे लेकिन याद जरूर करेंगे, शुभकामनाएं जरूर देंगे कि हमारे पास हम प्राउड फील कर सके ऐसे कुछ वीर पैदा हुए और जिनको आज हम याद करते हैं 23 मार्च शहीद दिवस के दिन पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा ब्रेन बूस्टर क्या कहता है। लेट्स सी व्हाट आवर ब्रेन बूस्टर इज सेइंग। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज अप्रूव्ड हाउ मच बिलियन डॉलर फंड अंडर इमरजेंसी फाइनेंसिंग फॉर यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन में चल रही फिलहाल की घटना के लिए IMF के द्वारा कुछ फंड रिलीज किया गया है, तो हमें देखना है कि कितना फंड रिलीज किया गया है, उस आंकड़े को जानना है। अब सर आंकड़ा क्यों पूछ लिया, क्या एग्जाम पूछती है आंकड़ा? बिल्कुल पूछती है भाई साहब, जब आपकी एग्जाम आपको डेट पूछ सकती है, जब आपकी एग्जाम आपको पूछ सकती है कि कितना लोन किसको दिया गया है, तो यहां पर भी तो उन्होंने फाइनेंसिंग दी है, तो ये आंकड़ा आपको क्यों नहीं पूछा जा सकता? तो इसलिए आपको इस चीज पर फोकस रखना है कि किस प्रकार से ऐसे सारी चीजें भी आपको पूछी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है ना, अंडरस्टूड दिस, ये बहुत इजी है और एक बार आपको याद रह जाएगा तो याद रह जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस राइट, ओके, एनीबडी, ओके बी 115। अच्छा ये मेरे भी, मुझे भी ऐसा लगा था ना जब ये सवाल आता है सामने, तो क्या हाँ यार कुछ ऐसा ही किया होगा कि जिसमें हेलो ज्योति गुड मॉर्निंग, जिसमें हाँ कोई राउंड फिगर चीज ही दी होगी, 1.5 दिया होगा ना, राउंड फिगर है क्योंकि इसलिए, ठीक है, बट इट्स समथिंग डिफरेंट। एनीवे सत्य में से ए, एनीबडी एल्स हु, जिसने देखो सुना हमने सबने कि IMF ने पैसा दिया है, IMF का तो काम ही है पैसा देना। IMF क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखता है। इसको अगर आपको चाहिए तो नोट डाउन कर लो कि कौन सा चीज का क्या फंक्शनलिटी होती है, ठीक है, अगर आपको ये बेसिक सी चीज वैसे तो पता होना चाहिए, बट फिर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना दुनिया भर में, यही इसका काम है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह क्या है, सिंपल सा लॉजिक है भाई लोग, याद करो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी जरूरत थी हमें 1930 के बाद में, दुनिया ऑलरेडी एक वॉर देख चुकी थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 का, हेलो शाम भी गुड मॉर्निंग, इसके बावजूद भी हमें अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी तो हमने 1944 में एक डिसीजन लिया, हमने क्या मतलब जो पावर्स है, जो इकोनॉमिक पावर्स है, उन्होंने 1944 में एक डिसीजन लिया कि भाई साहब हमारे पास में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमको सोल्यूशन के तौर पर कुछ ढूंढ के दे। तो हमने कहा ठीक है बढ़िया है, ढूंढ लेंगे कोई सोल्यूशन, तो सोल्यूशन निकला क्या, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इस फंड में हर कोई अपनी जीडीपी का कुछ कुछ हिस्सा निकाल के, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझ लो, बेसिक लैंग्वेज है क्या है सारी कंट्रीज में, यस है ना, यानी कि अब यहां ये कई और जगह भी काम आ जाएगा, कहां पर काम आएगा, श्रीलंका में, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर आप यहां पर ये बेसिक फर्क समझेंगे तो आपको IMF का वर्किंग भी समझ में आ जाएगा कि किन कंट्रीज में ये जाके काम करता है, फॉस्टर करता है वहां के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनको फॉस्टर करता है, भले ही वहां पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाने हो। देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार किसी को कैश पैसा ही दिया जाए, हेल्प कई सारे मामलों में की जा सकती है जिसमें आप पोर्ट डेवलपमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि निचली अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर अगर पोर्ट्स डेवलप कर दे तो उनको हमेशा के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यस 1.4 बिलियन डॉलर इज द राइट आंसर, हम बात करते हैं IMF के बारे में, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। IMF जो है ना, यस वेरी गुड, इंडिया ने भी हेल्प ली थी क्योंकि हमारे पास में आर्थिक गंगाजली जिसको हम बोलते हैं वो कम हो गई थी, यानी कि अपना जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी हमारे पास में बिल्कुल नहीं था, खत्म होने वाला था, 2 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। तो ऐसे वक्त में हमें जब हेल्प लेने की जरूरत पड़ी थी, ऐसे वक्त में भी हमने IMF से काफी हेल्प ली थी, वर्ल्ड बैंक से भी काफी हेल्प ली थी, ठीक है। श्रीलंका उनसे हेल्प मांगने वाला है, हमें पता है मांग रहा है, ठीक है, मांगने क्या वाले मांग रहा है, लोन डिफरमेंट का उनका मैनेज वो वहां पर मैटर चल रहा है वो भी हम जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। इसी के साथ में IMF में मेंबर कंट्रीज कितनी है वो भी आपको याद रखना है। अब इतना बात कर ही रहे हैं IMF के बारे में, तो मेंबर है 190 कंट्रीज, कितनी है 190 कंट्रीज यहां के मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भैया एस्टेब्लिशमेंट कब का है, 1944 का है, यस वेरी गुड, 1944 का एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन DC, यानी कि USA में इसका हेडक्वार्टर है, यह भी आपको याद रखना है,
ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि हाँ, ये अगर यूएसए से काम करता है, इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग राइट जो है वो यूएसए के पास में है, कितना, 17%। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं वैसे, बट फिर भी बता रहा हूँ, इसके बाद सबसे ज्यादा वोटिंग राइट जो है वो यूएसए के पास में, यानी यहां पर जो मेजर फाइनेंशियल प्लानिंग, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, यहां पर मेजर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कोई भी होती होगी, यानी कोई किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को अगर हमें यहां पर लेकर आना है सामने, या उसके बारे में निर्णय लेना है, डिसीजन को लेना है, वोटिंग होनी है, तो उसमें यूएसए का शेयर ज्यादा रहेगा। अब समझाने के लिए तो ये जरूरी नहीं है, बहुत इजी सी चीज है, इसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, समझ में आ रही बात, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई डिसीजन लेना, यानी कि अगर ये है कि किस कंट्री, जैसे यूक्रेन में पैसे दिए जा रहे हैं, तो आईएमएफ ये डिसाइड करता है, या फिर ये बात ऐसे फ्लोर पे आती है कि यूक्रेन में हमें कुछ पैसे देने चाहिए, अगर यूएसए कहता है $1 बिलियन देने चाहिए, सब लोग अपना वोट करेंगे, या कोई एक चीज बात वहां पर सामने रखी जाएगी उनके द्वारा और फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में एक और चीज आपको याद रखनी कि इसमें पहली बार एक डिप्टी एमडी, ठीक है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की एक पोस्ट है, ठीक है, वो तैयार करी गई, और जिसमें गीता गोपीनाथ, ये एक इंडियन फीमेल है, ठीक है, अपनी इंडियन मैडम है गीता गोपीनाथ, इनको अपॉइंट किया गया था सबसे पहली डिप्टी एमडी की पोजीशन के ऊपर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अदरवाइज आपको ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स में चर्चा में क्यों आता है, ये भी तो जरूरी है ना, करंट अफेयर्स में आईएमएफ के बारे में क्यों पूछ लेंगे अदरवाइज, क्योंकि वहां पर एक भारतीय व्यक्ति को, गीता गोपीनाथ जी को, पहली डिप्टी एमडी के तौर पर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये है एक बल्गेरिया की विमेन है, ये वहां पर अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम संभाल रही, दोनों विमेन है, यही के होती है असली विमेन एम्पावरमेंट, दुनिया भर का सबसे बड़ा, यहां पर अगर हम फंड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक इंस्टीट्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, उसके एमडीज और डिप्टी एमडीज जो है दोनों भी एक विमेन है, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, इसको इनका भी नाम अगर आपको चाहिए तो लिख लीजिए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है, ये एमडी है, और गीता गोपीनाथ मैम जो है ये डिप्टी एमडी है, ठीक है। बहुत सारा डेटा है, बहुत सी चीजें हैं, यस, फर्स्ट इंडियन डिप्टी डायरेक्टर है ना, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की यहां पर हम डिप्टी एमडी की बात कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा, तीन चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, उसे वो बहुत बेसिक बेसिक है, ठीक है। अब इसमें बाकी बगैर काम की चीजें आपको याद नहीं रखनी है, हाँ, यूक्रेन को कितना फंड दिया वो जरूर याद रख लेना, अगर आने वाले वक्त में, देखो आ गया ना फिर फालतू चीज पे, 2-3 महीने के पहले था, आपने उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है वहां पे देख लेना, अपॉइंटमेंट की डेट क्यों पूछेंगे आपको, आपको ये पूछेंगे कि अभी अभी अपॉइंट हुए है, आपके इस सेशन के लिए काम वाला है, बहुत जरूरी है, उतना जरूरी है, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर, यस, हाँ, जितना जरूरी है उतना याद रखना है, ये सब चीजें ये याद करके फिर जो जरूरी है उसको भूल जाओ, मतलब ठीक है, इट्स ह्यूमन नेचर, आपका भी कोई उसमें गलती नहीं है, ह्यूमन नेचर है ये सब, जरूर बगैर काम की चीजें याद रखना, ठीक है, अदरवाइज मजा कैसे आएगा ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। यस, हम लोग देख रहे हैं द हिंदू डेली सेटरडे एडिशन वंशिका, और बात कर रहे हैं हम लोग वेडनेसडे March 23, 2022 के बारे में, शहीद दिवस अभी तो हम बोल चुके हैं, लेकिन अभी हमें देखना है कि फ्रंट पेज क्या कहता है, बिल्कुल रिलेवेंट है अपने लिए ये, कुछ काम करनी, क्यों भाई साहब, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल की प्राइस बढ़ रहे हैं, वो बढ़ते जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको डिस्कस करके कोई फायदा है क्या, लोग उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, लोग किसको क्या बोल रहे हैं, पुराने पॉलिटिकल नेताओं के ट्वीट निकल कर रहा रहे हैं, ठीक है। यस, अभी अमित सर ने एक वीडियो बना था यार, इस पे गीता गोपीनाथ वाले मैटर पे एक पूरा वीडियो बनाया प्रॉपर, ठीक है, तो वो जाके आप एक बार देख लीजिए, कब का अपॉइंटमेंट है, किस डेट पे हुआ है, एग्जाम पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आपको जाने में इतना इंटरेस्ट है तो जरूर जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। हाँ, एक और चीज है कि यहाँ पर हमें बंगाल में वायलेंस होते हुए दिख रहा है, तो उसके ऊपर से वहां की होम पोर्टफोलियो या फिर होम मिनिस्टर जो है ना, मैं नया मसाला आया, बिल्कुल बिल्कुल नया मसाला, होम मिनिस्टर वाली पोजीशन पे यहाँ पर खुद सीएम यानी ममता बनर्जी जी जो है वो खुद ये पोजीशन संभाल रही है, ठीक है, वेरी गुड अहमद, आई एम वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बोल रहे हैं कि डिमांड किया जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है, यस, ठीक है, चलो इस्तीफा, खैर इतनी सी बात पे है, कौन सी बात है, बात इतनी सी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। डी यू इंटेक टू बी बेस्ड ऑन सीवीटी स्कोर्स, ये ही जो न्यूज है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बाइक नहीं चलाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बाइक नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, अब कार चलाना सीख लो, और कार के लिए जो दो पहिए मैंने बताया है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उनको जोड़ लेना, साइकिल तो मैं तो बता रहा था, साइकिल के लिए कोर्ट में तो बाइसिकल ही लिखा था, बाइक तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, बाइसिकल ही लिखा है। सोनिया रीचेस आउट टू G23 मेंबर्स, यहां पर ये जो ये G23 ये है ग्रुप ऑफ 23, यानी कुछ 23 इंपॉर्टेंट लीडर्स है कांग्रेस के, तो जिनके साथ बात करने के लिए गए हुए हैं ये, तो ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटिकल अपने लिए कुछ काम का है नहीं, ठीक है। ये जरूर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात है वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ फैमिलीज वहां से निकल के आ रही, बहुत बुरी कंडीशन है, कम से कम दो लोग, परसों के दिन तक ये आंकड़ा 2 लोगों का था, अब ये है ना, अब ये हो सकता है कि भैया ऐसी बढ़ती रही तो फिर सब साइकिल पे आ जाएंगे, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, अपना एक्सरसाइज हो जाएगा, देखो अपने हाथ में है क्या, मैं ये कहता अपने हाथ में ये है भाई, ये है, आज आप
अपने हाथ में क्या है, ये है, ठीक है, द हिंदू है, अपने हाथ में ये किधर गया, CVET है ना, अपना जो काम है वो करें, आप अपने काम पे फोकस करें, जो अपने हाथ में नहीं है उसमें ध्यान ना दे, कम से कम ध्यान दे उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। फिलहाल ही बाइक सीखे है, अच्छी बात है, फिलहाल बाइक सीखे, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, ठीक है। जो अपने हाथ में नहीं है भाई साहब उसको भूल जाओ, गुड मॉर्निंग साहिल, और जो अपने हाथ में उस पर फोकस करो। श्रीलंका का क्राइसिस अपने हाथ में नहीं है लेकिन उसके बारे में पढ़ना अपने हाथ में है। हेलो करिश्मा, तो उसके बारे में पढ़ लेते, क्या पढ़ लेते कि श्रीलंका में परसों तक 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी पेट्रोल की कमी के कारण, वहां पर लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से वहां पर लोगों की डेथ हो चुकी थी, मोटे लोग भी फिट हो जाएंगे, ठीक है, ये आगे चल गए। हाँ तो ये बात है, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। काम आएंगे, हाँ। अब वो आंकड़ा बढ़ के 4 हो गया, 4 लोगों की डेथ हो गई है, कुछ 4 सीनियर सिटीजन हैं जिनकी डेथ हो गई है, किसके कारण भाई साहब, पेट्रोल के लाइन में लगने के कारण, पेट्रोल के भाव, मैंने आपको बताया था कल दूध पाउडर जो है, मिल्क पाउडर है, उसका भाव बहुत बढ़ गया है, बेसिक फूड आइटम के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है, इस वजह से कुछ फैमिलीज वहां से छोड़ के भारत में वापस आना चाहती है, जो तमिल फैमिलीज है, यही टाइज भारत और श्रीलंका को इतने सालों से जोड़ के रखे हुए है, और रामेश्वरम में उनको पेट्रोल जो हमारे कर रहे थे कोस्ट गार्ड जो है उनको उन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है, तो इस वजह से आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। कोस्ट गार्ड का नाम, अच्छा एक सवाल पूछता हूं आप लोगों को मैं, टॉपिक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक रहना सा सवाल है, उस पर आपको बताना है मुझे कि हाँ भाई क्या है, ठीक है। तो भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर कितनी फोर्सेस आती है, जो फोर्सेस है वो कितनी आती है, ठीक है। ऑप्शन 1 है 2, फिर 3, फिर 4, अच्छा क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है चलो ओके, यहां पर 3 होना चाहिए, ठीक है, और फिर 5, 2, 3, 4, 5, इनमें से कितने अल्ट्रा हाई लेजेंडरी, यस ओके, इंडियन आर्मी, कितने भाई भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर कितनी फोर्सेस आती है। मैगी की प्राइस बढ़ गई, देखो भाई मेरे को कोई पैसा नहीं मिला मैगी की तरफ से, लेकिन मिल्क रेट 600 रुपया लीटर, हाँ भाई सब बड़ा महंगा हो चुका है, सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है, इन्फ्लेशन रेट से भी आप समझ सकते हैं 16% का इन्फ्लेशन रेट था कल परसों तक, और हर दिन रेट में चेंज आता जा रहा है, ठीक है। 3 किसी ने 3 बताया है, किसी ने 4 बताया है, किसी ने कोई कुछ बताया है, ठीक है। तो जनरली जो अपनी एयरफोर्स है, जैसे कि एयरफोर्स अगर हो गया, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों फोर्स तो आती ही आती है, यानी कि 3 तो फिक्स हो गया है, ठीक है, ये सही जवाब है, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि 3 तो फिक्स हो गया, यानी इनके ऊपर ही होगा, ये तो कट गया, तो अपन एलिमिनेशन मेथड से जा रहा है, इसको तो कट गया, यानी अब अपने को सॉल्व करना है तीनों में से, ठीक है, 3, 3, 3, बहुत सारे लोग 3 कह रहे हैं, चलो अच्छी बात है, तीनों तो अपने पास फिक्स है, लेकिन आपको ये जानना है कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर 4 फोर्सेस काम करती है, ठीक है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके साथ भी डील करती है, कोस्ट गार्ड के साथ भी डील करती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, 4, वेरी गुड अनन्या, 4 फोर्सेस आर देयर जिसमें से कोस्ट गार्ड भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। वैसे ये जानने के लिए बड़ी आपको हैरानी होगी, क्योंकि वैसे तो इनकी जो बाकी चीज है वो होम मिनिस्ट्री अपने आप से कर लेती है, इनका रिक्रूटमेंट वगैरह देख लेती है, आपको लगे पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसा, ये भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा, लेकिन नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर परफॉर्म करता है, थोड़ा सा अपने को आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन कोस्ट गार्ड ने इन लोगों को पकड़ा है, इनकी जो पेट्रोलिंग थी कोस्ट गार्ड की उनमें ये लोग पकड़े गए हैं, कौन लोग, जो वहां से आ रहे थे तमिल फैमिलीज जो श्रीलंका से इंडिया में आ रहे थे वो पकड़े गए हैं, इसलिए उनके रेफरेंस से हमने ये सवाल भी हाथों आज देख लिया, ठीक है। कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे अभी कुछ दिनों पहले हमने सेलिब्रेट किया है, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था, ठीक है, कोस्ट गार्ड भी है जिसने पकड़ा, तो है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, चलो ठीक है, ओके लेट्स सी। हाँ तो यहां तक तो आपका न्यूज़पेपर जो फ्रंट पेज है आज का वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन आए हुए जो आर्टिकल्स है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, जिनमें से सबसे पहला आर्टिकल है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ये भले ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वैसे वर्क नहीं करे जैसे आप चाहते हो, लेकिन ये आर्टिकल लिखा गया है हरीश वानखेड़े जी के द्वारा, और बड़ा बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, बहुत अच्छा, क्या बोल रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं मसाला टू मीनिंगफुल सिनेमा, ठीक है, यानी भारत के सिनेमा को लेकर जो शिफ्ट आई है बॉलीवुड की, या फिर कोई भी सिनेमा, बॉलीवुड एक इकलौता सिनेमा नहीं है भारत का, भारत को पहचान दिलाने, हम ये बोल सकते हैं कि भारत को पहचान दिलाने वाला सिनेमा जरूर बॉलीवुड है, लेकिन भारत में कई सारी और भी इंडस्ट्रीज है, आप मॉलीवुड ले लीजिए, कॉलीवुड ले लीजिए, मतलब ये बोलने की बात है, वरना कर्नाटका में, मलयालम में, हर भाषा की अपनी अलग फिल्म इंडस्ट्री है, ये लोग मिलजुल के साथ में काम करते हैं, साउथ का जो अरीना है अलग से, इसके अलावा हमारी क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्रीज भी बहुत अलग तरीके से काम करती है, और उनमें भी
कई सारी फिल्में और कई सारी सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो अब रिलीज हो रही है उनमें रिकॉग्निशन हमें मिलते हुए दिख रहा है, हम नजर पड़ रहा है। ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है कुछ कुछ उन फिल्मों के ऊपर जो अभी आई है, रिसेंट टाइम्स में आई हुई है, जिनमें तीन फिल्मों के बारे में ये डिस्कस करते हैं। तीनों फिल्मों के नाम ऐसे जाते हैं जिस प्रकार से अभी मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कश्मीर फाइल्स एक नाम है, बड़ा ही फेमस आजकल में हो रहा है। यहां पर जो बताए जा रहे हैं वो सारे थॉट्स ऑथर के हैं, इनमें मेरे पर्सनल कोई भी थॉट्स नहीं है। कश्मीर फाइल्स एक नाम है, इसके अलावा एक और नाम है जिसमें हमने झुंड देखा, जो अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है, अभी रिसेंटली आई है। गंगूबाई काठियावाड़ी एक फिल्म है जो अभी रिसेंटली आई है। तो इन फिल्मों के बारे में इन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से ये एक मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ ट्रैवल कर रही है, लेकिन वही उसी वक्त ये कहते हैं कि क्या हमें इन फिल्मों में कहीं कोई प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है या फिर ऐसी कोई चीज नजर आ रहा है कि ठीक है इनका कुछ अलग होगा भाई साहब, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन हाँ अगर होगा तो पता नहीं महेंद्र। ठीक है, टॉलीवुड, भोजपुरी, मणिपुरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हाँ ठीक है, यस हॉलीवुड, ओके, बहुत से। देखो ये जो वुड्स है ना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं गंगूबाई, बहुत चलते, हाँ बहुत सी फिल्में हैं, तीन फिल्में हम लोग प्रोमिनेंटली यहाँ पर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों अभी एक टर्मोइल क्रिएट करती है समाज में। ठीक है, वाह मसाला का मतलब समझ रहा, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या होता है पता है, पेट्रोल 25 है ना, आलिया भट्ट के यहाँ। तो ये बता रहे हैं कि जब हम मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ मूव करते हैं तब हमें एक शिफ्ट नजर आती है, मेजर शिफ्ट नजर आती है, जो या नजर आता है, एक शिफ्ट नजर आता है जिसमें हम लोग सोच विचार को बदलने के लिए चलने की बात करते हैं एक जगह पे, और एक जगह पे हम लोग ये बोलते हैं कि कैसे समाज में एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है। इनका ये मानना है कि एक फिल्म का काम सब कुछ सही जैसा का वैसा है वैसा दिखाना होता है, बिल्कुल दिखाया जाता है, और कई सारी फिल्में अब तक ये कर चुके हैं। फिल्मों के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी जो यहां पर बोला जा रहा है उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज इसका जो मीनिंग है ना पूरा इस आर्टिकल का, वो पूरा मीनिंग निकल जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई और झुंड, पुष्पा नहीं, झुंड, ठीक है, झुंड फिल्म के बारे में बात करें, पुष्पा के बारे में बात नहीं कर रहे। इस आर्टिकल का जो मीनिंग है वो हट जाएगा अदरवाइज, अगर आप इस पर फोकस नहीं करते तो, सही से ध्यान नहीं देते तो। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी, हाँ ये आर्टिकल उस उन कुछ फिल्मों के नाम लेता है जो इन्होंने बताया कि इसके पहले भी आई है और उन्होंने टर्मोइल भी क्रिएट करा है। ठीक है, लेकिन समाज में नहीं, लोगों के दिमाग में, दिल में, मन में, क्या ये बात आपको सही नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। आप एक बार सोच के देखिए कि क्या इसके पहले वैचारिक तौर पर फिल्में नहीं बनी? हाँ ये जरूरी है कि जरूर होता आया है कि ऐसी फिल्में जो लोगों के दिल को छू जाए या मन को छू जाए, दिल को तो सारी फिल्में छूती है तभी वो हिट होती है, सारी नहीं, जितनी भी हिट हुई फिल्में हैं वो दिल को छूती है, लेकिन किस तरीके से छूती है उसका भी अपना एक जरिया है। अगर कोई फिल्म रियलिटी के थ्रू लोगों के दिल को छू रही है, जैसे कश्मीर फाइल की बात हो रही थी, अगर कोई फिल्म लोगों को जो अननोन है वो दिखा रही है, जैसे जय भीम, बहुत से लोगों को आदिवासियों के साथ होने वाली कथाओं के बारे में मालूम नहीं था, तो जब जय भीम आई है तब लोगों को ये पता चला है कि इनको ये यहाँ तक भी सहन करना पड़ता है, तो इसलिए लोगों को वो दिल को छू गई वो कहानी, एकदम से मन में आ गई यार बहुत बुरा हो रहा है इन लोगों के साथ में। ठीक है, हाँ ये ऐसे कुछ नाम दिए इन्होंने, राजी मुल्क केसरी, ये क्यों दिए? ये बता रहे हैं कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट फिल्म है या फिर एक अल्ट्रा पैट्रियाटिक फिल्म है जो हमारे मन में एक सेंस पैदा करती है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, लेकिन क्या इससे पहले फिल्म नहीं आई, ऐसी फिल्म नहीं आई जो विवेक का प्रदर्शन करती थी? मैं अभी आपको कुछ ऐसे ही फिल्मों के बारे में बताने जाने वाला हूं कि जो हमारे पास देश में ऑलरेडी हमें विवेक का प्रदर्शन करती आ रही है या फिर हमें दिखाते आ रही है कि समाज में क्या कंडीशन फिलहाल चल रही है। बहुत ऐसी समाज की कंडीशन के ऊपर फिल्में बहुत सारी बनी हैं और उनमें से बहुत सारी फिल्में सक्सेसफुल भी रही हैं। जरूरी नहीं है कि किसी फिल्म में प्रोपेगेंडा ही दिखाया जाए या फिर किसी एक समाज के तबके या फिर किसी एक यूनिट के खिलाफ कोई किसी को भड़काऊ प्रदर्शन किया जाए, ये जरूरी नहीं है। कई बार हम ये जानते हैं कि पिक्चरों का मोटिव वो नहीं होता है, लेकिन एक हिडन मोटिव होता है या फिर एक छुपा हुआ मोटिव होता है जो हासिल हो जाता है। ठीक है, 14 करोड़ एंड प्रॉफिट इज वंडर, यस दैट्स वेरी, देखो दैट्स टोटली इन टू द हैंड्स ऑफ व्हाट फिल्म मेकर्स एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी हैं, फायदा जिसमें से जिसने भी कमाया हो जैसा भी चला हो। ठीक है, ऑस्कर के लिए, हाँ हमने भेजी थी ऑस्कर के लिए ना शायद, तो कमिटी वहाँ स्क्रीनिंग भी हुई है ऑस्कर में जय भीम की, और एक सीन है बड़ा प्यारा सीन है वो वहाँ पर स्क्रीन हुई है। ठीक है, दो बार कश्मीर फैंस देख ली तो ठीक है, अच्छी पता नहीं, मैंने अभी तक वो फिल्म देखी नहीं है, खैर मुझे बड़ी खलबली है कि मैं वो फिल्म जल्दी देखूं, लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं है तो मैं अपने कोई विचार उसके ऊपर प्रदर्शित नहीं करना चाहूंगा। जो लेखक के विचार है उसी के तरीके हम चलेंगे और आगे जाके देखते हैं कैसी क्या कैसी फिल्में भारत में नहीं बनी। मदर इंडिया नाम की एक बड़ी पुरानी फिल्म है जो भारत में जमींदारों के अत्याचारों के ऊपर एक कंडीशनिंग दिखाती है कि भारत कैसे विवेकहीन
होता जा रहा है, जबकि अंग्रेज चले गए उसके बावजूद हमारे लोग भी हमारे कुछ भूमिहीनों को वैसे ही ट्रीट करते आ रहे हैं जैसे अंग्रेज करते थे। इसके अलावा स्वदेश एक बड़ी प्यारी फिल्म है जो ये दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति की अगर किसी चीज से एक नाल जुड़ी हुई है, यानी कि अगर वो उसमें से जुड़ा हुआ है, एक अपने अंदर से रूट्स जुड़े हुए, वो उसको भूल नहीं सकता। हाँ, एक मॉडर्न लेवल पे जाके, ये अहेड ऑफ द टाइम फिल्म थी, बड़ी अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी, आपको वक्त मिले तो जरूर देखना, बहुत अच्छी पिक्चर है। ठीक है, तो लॉरेंस रिलेटेड सारी मूवीज देखते हैं, अच्छी बात है, देखिए। लेकिन ऐसी कुछ फिल्म जो आपके अंदर ये जगाती है ना। हाँ, ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फिल्म अच्छी है या बुरी है अभी आई हुई। हाँ बिल्कुल, जो मैंने देखी है उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। स्वदेश मैंने देखी, बड़ी अच्छी पिक्चर है, बहुत प्रॉपर तरीके से कमेंटिंग करती है। जब आपके अंदर एक ड्यूअल माइंडसेट अगर कहीं होता है, या फिर आपको लगता है कि डिलेमा है कि मैंने क्या करना चाहिए, लगान भी अच्छी नहीं, हाँ एक डिलेमा है आपके अंदर कि मैंने किस प्रकार से डील करना चाहिए इस चीज को, कि जो मॉडर्न चीजें हैं कि इनके साथ में मेरा डीलिंग ऐसा होना चाहिए, क्या मैंने लग्जरी को देखना चाहिए या मैंने अपने रूट्स को देखना चाहिए। स्वदेश उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से कमेंट कर दिए, बहुत सुंदर फिल्म है। इसी के साथ में आर्टिकल 15 जो हमें दिखता है कि भैया किस फर्क लाएंगे, क्या बोल रहे हैं, शॉकिंग ट्रू इवेंट्स, यस ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है भाई साहब, ये भी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन क्या ये इतना, हाँ हाँ ये क्यों इतनी नहीं वो हो पाई, क्यों नहीं देखा, बिल्कुल बहुत सुंदर मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। क्या इन सारे फिल्मों में गाने नहीं थे? गाने थे, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, ऑथर का ये मानना है कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो नैरेटिव कहता है कि इस फिल्म में गाने नहीं है, सिर्फ तड़क तड़कता चीजें दिखाई जा रही है, प्रॉपर चीजें दिखाई जा रही है, जो हुआ है अत्याचार हुआ है। तो जो ट्विस्टिंग है, सिनेमैटिक लिबर्टी, देखो एक चीज होती है सिनेमैटिक लिबर्टी नाम की, सिनेमैटिक लिबर्टी क्या होता है भैया, यानी कि लिबर्टी का मतलब है कि स्वतंत्रता, मतलब मुझे जैसा स्वतंत्रता चाहिए वैसा मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे एक पिक्चर बनानी है, तो इसलिए कौन सा अभी तक ऐसे रिसेंटली कुछ है नहीं। ठीक है, कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है बहुत टाइम टेकन है डेली, आप 1 या 2 घंटे मैक्सिमम, 1 या 2 घंटे बहुत ज्यादा हो गए, 1 घंटे इट्स लाइक फाइन, ठीक है 1 घंटा इनफ है आपके लिए, बहुत इनफ है, ठीक है मोर देन इनफ है, फटाफट लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, पिंग आर्टिकल 15 फॉर 20, यस वेरी गुड। ठीक है, आर्टिकल 420 को कौन सी पिक्चर है भाई, ठीक है आर्टिकल 15 इसके बारे में कमेंटिंग करती है कि कैसे भारत में हमें देखने को मिलता है, तो समाजों के बेसिस पर भी तो बहुत सी चीजें हैं भाई साहब, समाज के बेसिस पर भी तो यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसी एक समाज को नहीं दिखाया है, इन्होंने पर्टिकुलर उस चीज को कैसे ये प्रेसिपिटेशन नीचे तक आता है इसको दिखाया है, इन्होंने बताया है कि कैसे ऊपर अगर कोई चीज है ना, हाँ मैंने देख लिया एक में और इसको ठीक है भाई करो, इसको एडजस्ट करो, ठीक है हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि कैसे ये प्रेसिपिटेशन नीचे तक पहुंचता है, इसके बारे में ये फिल्म कमेंट करती है, बहुत अच्छी फिल्म है। इसी के साथ पिंक बात करती है विमेन राइट्स के बारे में, तो क्या ये फिल्म गलत है, क्या इसमें गाने नहीं है, क्या इसमें तड़कता भड़कता प्रदर्शन नहीं है? है भाई सब है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से नैरेटिव को तोड़ के मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है। समाज में हमेशा कोई भी एक फिल्म बनेगी तो एक वर्ग को ऑफेंड करेगी ही करेगी, बात ऑफेंसिवनेस से तो है ही नहीं, बात इससे है, नहीं 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 ठीक नहीं, वो अलग बारे में बात करती है, हम किस किन फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं वो जरूर समझना, हम एक नैरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, हम ऐसी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं जो सोशल स्ट्रक्चर को समाज के सामने लाती है, ठीक है जो समाज के सामने सोशल सिस्टम को लाती है, लेकिन किसी को जब ऑफेंड करती है तब एक डिवाइड क्रिएट नहीं करती, ऐसी फिल्में। ये भी ये दो लोगों के बीच में, जैसे एक मेल और एक फीमेल है ना, ये विलन अपोजिट नहीं होते, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है तो एक मेल और फीमेल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये भी तो डिवाइड क्रिएट कर सकती थी, लेकिन क्या इसने ऐसा किया? नहीं किया। इसने डिवाइड क्रिएट किया क्या? नहीं किया। इसने सीधा सीधा बताया कि भाई आपकी सोच में नो मीन्स नो, नहीं फिल्मों के बारे में समझिए, जिन फिल्मों की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो समाज के बदलाव के बारे में बात करती है, हमारे अचीवमेंट्स के ऊपर जो बात करते हैं उनकी तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम ऐसी चीजें जो टैबू मानी जाती है समाज में, जिनके ऊपर बात नहीं की जाती है या जिनसे रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम हम रोज फेस करते हैं, ऐसी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऐसी फिल्मों का नाम लेके शायद कुछ फालतू अपन जो कर रहे हैं उसका प्रदर्शन ना करें, ठीक है। अब हिंदी मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम क्या, हिंदी मीडियम में हमारे यहाँ स्कूल के साथ क्या प्रॉब्लम है, बेसिक सा एक सवाल था, बेसिक सवाल, स्कूल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्राइवेट स्कूल वाले ऑफेंड हुए, उनके पास प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुई, ऐसा कुछ हमें देखने को मिला? ऑफेंड हुए भी होंगे तो अपने घर पे बैठे होंगे भाई साहब, एक डिवाइड क्रिएट नहीं हुआ समाज में, एक अननोन इशू था जिसको हमने सामने लाया। अलीगढ़ सेम सेक्स के बारे में बात करती है ना, सेम सेक्स के बारे में बात करती है, जो सेम सेक्स इश्यूज है यानी कि समलैंगिकता है उसके बारे में बात करती है, बहुत अच्छी, सब छपाक बड़ी अच्छी पिक्चर, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस रेफरेंस, नाइस इनपुट, ठीक है। हाँ लिखने नहीं लिखने, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं लिखना तो नहीं लिखो आप, आपका वो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं लिखने भी नहीं है, देखना भी नहीं है, कुछ नहीं तो आप बंद कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। तो हम बात करें एक हंसल, बहुत अच्छे डायरेक्टर है हंसल मेहता,
क्या ये समाज में डिवाइड क्रिएट करती है? नहीं करती है। इन्होंने समाज में किसी भी तबके को ऑफेंड किए बिना सीधे सीधे एक फिल्म बना दी जो इनके ऊपर कमेंटिंग करती है, बेसिक कमेंटिंग करती है, बताती है फिल्मों का काम है ऐसी चीजों का प्रदर्शन करना जो लोगों को आज तक नहीं समझ में आई है, ठीक है, या लोगों को आज तक उनकी मेंटालिटी समझ नहीं पाए हैं, लोग उनके बारे में बात करना, ठीक है। तो यस डेफिनेटली वंशिका, दैट्स अ वेरी ग्रेट मूवी जो आपने इनपुट दिया, बहुत अच्छी, ठीक है। मसान बात करती है जात, समाज, एक पर्टिकुलर जेंडर, एक पर्टिकुलर क्लास, थप्पड़ भी ठीक है, एक पर्टिकुलर ऐसी क्लास जिसके बारे में, यस ओ माय गॉड इज अ वेरी नाइस फिल्म एज वेल, अच्छी पिक्चर है, वो अलग तरीके से डील करती है चीजों के बारे में, ठीक है। मसान एक समाज का ऐसा क्लास जो तरसता है एक रिकॉग्निशन के लिए, उसके बारे में बात करती है। पैडमैन किसके बारे में? टैबू है, सैनिटरी पैड्स वर टैबू बिफोर दिस फिल्म केम आउट, अभी भी टैबू है भाई साहब, ठीक है। शुद्रादो राइजिंग, यस है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये लोग लिख रहे हैं जो, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, इन्फ्लुएंसिंग मूवी काफी। तो ये इनका नाम था शायद अरुणाचरण मुरुगनाथन, ऐसा कुछ नाम है ये अंकल का जिन्होंने ये किया था, तो बड़ी बहुत अच्छा काम किया है। तो इसको आप समाज के सामने लाओ, अच्छा बिल्कुल दिखाओ, सब लोगों को पता चले उनके बारे में, ठीक है, और इससे किसी में डिवाइड भी क्रिएट नहीं हो रही है, जो हमें करना, जो बिल्कुल कोई नहीं करना चाहिए, किसी को करना नहीं चाहिए। न्यूटन इज अ वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत बेहतरीन फिल्म है। रंग दे बसंती बहुत बेहतरीन फिल्म है। ये दोनों फिल्में यूथ को यहाँ पर समझाने के लिए, उनको दर्शाने के लिए फिल्मों की बात करती है। यहाँ किसी को हम लोग बरगला नहीं रहे, झूठ झाट बोल के इसको किसी का गलत रास्ते पर नहीं लेके जा रहे हैं, उनको कोई प्रोपेगेंडा फीड नहीं कर रहे हैं, उनको कोई अलग तरीके से मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ट्विस्टेड रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, वहां पर प्रॉपर बात हो रही है जो कि हम लोग नेसेसिटी के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। दंगल बड़ी अच्छी फिल्म थी जिन्होंने प्रमोट किया कि हाँ भाई छोटे चोरों से कम है क्या, भले उनकी स्टोरी दिखाई हो। न्यूटन बहुत अच्छी फिल्म है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो जरूर जाए। और न्यूटन मुझे इनमें से ना राजकुमार राव से मेरी बात हुई है, ना आमिर खान सर से मेरी बात हुई है, किसी में भी नहीं, ठीक है। खुद झुंड, झुंड भी बड़ी अच्छी फिल्म है, ठीक है। बड़ी अच्छी कहने के पीछे वजह यह है कि जो मसाला फिल्म को हम लोग ट्रांसेंड करने की बात कर रहे हैं किन्हीं मीनिंगफुल फिल्म्स में, ठीक है, यस यहाँ इंपॉर्टेंट है अभिषेक, इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर, मे बी माई क्लास विल टेक दिस काइंड ऑफ टाइम और इसमें लगेगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो प्लीज यू कैन ब्लॉक हिम आइदर और यू कैन लीव अभिषेक, दैट्स फाइन, ठीक है। वर्क चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, इन्होंने खुद नाम लिया है उस फिल्मों का। आर्टिकल को समझाने के लिए बड़ा जरूरी है कि इन फिल्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इनका मोटिव क्या था और अभी आने वाली फिल्म्स का मोटिव क्या है और कैसे हम एक बदलाव को ऑलरेडी देख चुके हैं। 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ वर्क दिस वे, आपके लाइफ के 10 मिनट ऐसे हैं जो इसमें दिए जा सकते हैं लेकिन आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं ना एक सोच के लेके चलते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, मूवीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, आप जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। और बड़ा मैं मतलब ये लिख के दे सकता हूं अभी कि आपके जीवन में प्रगति ऑटोमेटिकली रुक जाने वाली है। ये कोई समझाने के लिए नहीं बात हो रही यहां पे, पर हाँ आपका जो एक मोटिव है जीवन का वो दर्शाता है कि किस प्रकार की सोच आप कुछ नए सीखने के प्रति रखते हैं। आप ये सोच रखते हैं कि फिल्म्स मेरे लाइफ में इंपैक्ट नहीं डालती है, ऑटोमेटिकली यू हैव स्टॉप्ड लर्निंग, ठीक है। तो ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा आर्टिकल भी है जो इसके बारे में बात करता है कि ये बताता है कि ये फिल्में हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं, ये आज नहीं आ रही है, फिल्म्स बड़े पहले से रिलीज हो रही है और बहुत पहले से इन बारे में बात हो रही है जो हमारे सोशल इश्यूज है। ये पिक्चर आज हम लोग शहीद दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पिक्चर उसी के बारे में बात करती है भाई साहब। ये पिक्चर हमारे एक यस थैंक्स सर, हमारे एक ऐसा पुराना नैरेटिव है, एक ऐसा पुराना नैरेटिव जो हमारे इतिहास को कनेक्ट करता है। बहुत अच्छी फिल्म है, इतिहास के बारे में बात करती है, करंट सिनेरियोस के बारे में बात करती है, करंटली कैसे चीजें यहां पर डील होती हुई आ रही है कि हमारे मिनिस्टर जो है वो क्या चीजें करते हैं, लाती है। समाज में डिवाइड आया क्या? नहीं आया ना, क्योंकि उन तबकों के बीच में कभी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती थी, नैरेटिव को बिल्ड किया ही नहीं जा सकता था। इसलिए आपको बींग यूथ, बींग आप लोग यूथ है, आप इस देश का भविष्य है, आपको किसी भी प्रकार के नैरेटिव बिल्डिंग का बलि नहीं होना है, यही आर्टिकल कहता है। और यही इस आर्टिकल की अपील है कि आप ट्विस्टेड रियलिटी को ना देखें, ट्विस्टेड रियलिटी को फोकस ना करें, उसके अलावा आप फोकस करें कुछ ऐसी चीजों पे जो आपको अच्छी चीजें दर्शाती है, आपके सामने बेहतरीन चीजों को प्रेजेंट करती है, ठीक है। आई थिंक चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है, मे बी योर पर्सपेक्टिव में भी चेंज, ठीक है। यस हाई जाओ नी जाओ ऑल दैट काइंड ऑफ फिल्म्स, देखिए फिल्म्स है बहुत से। ओके वंशिका, नाउ आई विल आंसर दिस, जो आपने सवाल पूछा है कि आई थिंक कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली बात है यू डोंट वांट योर पर्सपेक्टिव टू बी चेंज, यू वांट योर पर्सपेक्टिव टू बी वैल्यू एडेड, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इतनी देर से मैं ये कह रहा था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सपेक्टिव को बदल सकती है, लेकिन आपको उसको बदलना नहीं है, उसको वैल्यू एडेड बनाना है, यानी उसको सही बनाना है। कोई भी पर्सपेक्टिव सही या गलत नहीं होता है, इसलिए उसको हमें चेंज नहीं करना है, उसको हमें सही तरीके से लेकर जाना है उस एंड तक। तो ये जो भविष्य, इसलिए तो मैंने इतना 10 मिनट जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता यार आप लोगों के, जो आपके न्यूज़पेपर में आया आर्टिकल, मैंने अपने मन से तो आपको पिक्चर का पोस्टर दिखाया नहीं, आपके न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आया हुआ है, उसके बारे में बातचीत करी गई है, ठीक है, तो वो हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। अगली चीज क्या है, एक और आर्टिकल आया है जो बात करता है ब्लू टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। सिंपल सा लॉजिक है, मैं इस आर्टिकल का क्रक्स आपको एक मिनट में समझा देता हूं, फिर हम लोग हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है देखना वो देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं
यहां पर यह देखने को मिलता है कि कुछ वैक्सीन ऐसी थी या कोविड से रिलेटेड कुछ मेडिसिन ऐसी थी जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर से या ट्रिप्स के अंडर से फ्री कर देने की बात चल रही थी। अब कुछ लोग बोले कि सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, यह फ्री करना है क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है क्या, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्या, कौन ज्यादा फार्मेसी बनाता है, सब ध्यान दीजिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो जानेंगे और फिर हम लोग डेटा जानेंगे कि क्या बात हो रही है। ठीक, होता यह है, समझ जाओ। ठीक है, टॉयलेट भी अच्छी, हाँ टॉयलेट भी अच्छी, ठीक है चलो, ठीक है, नो मोर फिल्म्स, इट्स ओके, वी हैव गिवन एनफ टाइम टू फिल्म्स, नाउ दैट्स इट, लेट्स क्विट फिल्म्स, लेट्स टॉक स्टडी, लेट्स टॉक टॉपिक, मे बी द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि मेडिसिन जो है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है, वो एक कॉम्प्रोमाइज का आइडिया हमारे तरफ से दिया जा रहा था। ओके, एक कॉम्प्रोमाइज का आइडिया हमारे तरफ से दिया जा रहा था, भारत ये कह रहा था, ब्राजील ये कह रहा था, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ये कह रही थी, आई मीन अफ्रीकन कंट्रीज ये कह रही थी कि भैया ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसे प्रकार के ऐसे प्रकार के जो लोग हैं जो मेडिसिन को फ्री करा देंगे या वैक्सीन को फ्री करा देंगे या उसके ऊपर से, देखो फ्री कैसे होती है, पैसे कैसे आपको कॉस्ट किए जाते हैं वो बताता हूँ। कोई एक साल्ट डेवलप किया जाता है या कोई एक ऐसा मेडिसिन डेवलप किया जाता है तो उसको उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत उसको रजिस्टर कर दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी आइडिया, एक ऐसा डिजाइन जो आपने बनाया है जिसके ऊपर आने वाले सालों साल प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे और उन सालों साल बनते हुए प्रोडक्ट्स में से कुछ एक हिस्सा रॉयल्टी के तौर पर आपको मिलता रहेगा, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिस अधिकार के तहत आप ये उनसे मांग सकते हैं उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। तो आईपीआर जो है इसको डील कौन करता है, दुनिया भर में इसको डील करने वाली एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO डील करता है। तो यहां पर इस आर्टिकल का क्रक्स ये है भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि अब फाइनली जाके हम लोग उसको आईपीआर से फ्री नहीं कर पाने वाले, हमें पता है, लेकिन हमें उसको वैसा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक शॉकिंग सा आंकड़ा बताता हूं तो वो आंकड़ा सुनकर आपको चक्कर आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो लोग है ना, थैंक यू सर, वो ये सब देखेंगे, बिल्कुल देखिए, ठीक है, अभी भी जो गरीब कंट्रीज है या ऐसी कंट्रीज है जो वैक्सीन और मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रही, वहां टोटल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन का एक डोज लग पाया है। तो ये कंडीशन जो ये बहुत हानिकारक है दुनिया के भविष्य के लिए, या फिर एक इक्वालिटी जिसकी हम बात करते हैं या इक्विटी जिसकी हम बात करते हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, इसी के साथ मैं बोलूँगा कि 40% लो इनकम कंट्रीज, उन कंट्रीज को आप बोल सकते हैं लो, मैं ये अपने मन से कुछ नहीं बताता हूँ भाई साहब, सब आर्टिकल में लिखा हुआ है, लो इनकम कंट्रीज है, 14% सिर्फ और सिर्फ 14% लोगों को पहली डोज लगी है लो इनकम कंट्रीज में। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग आंकड़ा है। अब आते हैं हमारे वापस से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील कौन करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील करता है WTO, ठीक है, WTO ये कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके बारे में डील करते हुए हमें नजर आता है, ठीक है, यहां तक भी ठीक है, ओके भाई समझ गए हम लोग, अब क्या आगे क्या सर, ठीक है, अब आगे ये मैं बताता हूँ आपको क्या, ठीक है, ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जब बनी थी, ठीक है ना, कंट्रोल माई सेल्फ, इसकी मूवी इज, यस या हिस्की इज अ वेरी गुड मूवी, हिस्की टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, एंड यू शुड लाइक वॉच इट, मे बी अगर किसी ने देखी तो देख लेना भाई लोग, ठीक है। यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ इन माई क्लास टू से समथिंग पॉजिटिव, या फिर से समथिंग एक कंस्ट्रक्टिव चीज बोलने के लिए मेरे क्लास में किसी को कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ डिस्ट्रक्टिव अगर आपका माइंड सेट है तो शायद आप अपना माइंड अपने पास रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 164 वेरी गुड, 164 मेंबर्स है, इसमें कितने मेंबर्स है, 164 मेंबर है, प्लस यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, तो 164 मेंबर्स है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। ये बना किससे, इससे पहले क्या था भैया, इसके पहले था गैट, क्या था गैट, कौन था गैट था, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, विच इंडियन कंपनी, आपको पता नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है, दो तीन प्रोमिनेंट कंपनीज है जिन्होंने बनाया है, ठीक है, यस 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 यस, सही से नाम लिखो भैया, गलत सलत नाम लिखा है आपने उनका, ये नाम नहीं है उनका, सही से नाम लिखो, ओकोनियो इवियाला नाम है उनका, ठीक है, ओकोनियो इवियाला, नगोजी ओकोनियो इवियाला नाम है उनका, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट दैट्स गुड दैट यू रिमेंबर्ड इट एटलीस्ट, ठीक है। ये पहली अफ्रीकन और पहली विमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन है और पहली विमेन है जो कि WTO की हेड बनी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अच्छी, दैट्स अ वेरी नाइस इनपुट, अच्छी बात है कि आपने ये बताया, ठीक है। होता क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड
ये था गैट भाई साहब, ठीक है। पहले गैट काम करता था, गैट कब आया भैया बता रहा हूं, ये गैट, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ का मतलब क्या है, क्या आपको यहां से वहां कोई चीज भेजनी, कितना पैसा लगेगा आपको, इसमें कितना टैक्स देना है, क्या टैरिफ क्या, मतलब एक पूरा ब्रोशर होता है कि जिसमें आपको लिखा हुआ है कि कितने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। यस वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्यों रखते हैं लोग, इनको मजा आता होगा, कोई बात नहीं बेटा, आपने क्या करना है। ये आता है भाई साहब 1947 में, ठीक है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, याद रखना है, भारत गैट का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर बाद में आता है WTO, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री पहले जान लेते, फिर इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है। होता क्या है, फिर 1994 में है ना, उरुग्वे डायलॉग खत्म होता है, ठीक है। उरुग्वे डायलॉग खत्म होता है 1994 में, ठीक है। उरुग्वे डायलॉग या उरुग्वे राउंड को बोला जाता है ना, तो उरुग्वे राउंड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये शुरू कब होता है, 1986 में शुरू होता है और 1994 में खत्म हो जाता है। आपको 1994 सिर्फ याद रखना है। फिर यहां पर एक मराकेश एग्रीमेंट, ठीक है, मराकेश एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत, इस मराकेश एग्रीमेंट के तहत आपको पता चलता है कि ये बनाने की बात की जाती है। ये बोलते हैं ये भैया, ये मराकेश एग्रीमेंट किधर होता है, मराकेश एग्रीमेंट होता है मोरक्को में, किधर होता है, मोरक्को में, ठीक है, मोरक्को में होता है। अब इसके तहत ये बात करी जाती है, और 1 जनवरी को 1995 में ज्यादा एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं, ज्यादा इंक्लूसिव एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, है ना। ITS बड़ा डिफिकल्ट कोर्स है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1995 से बनता है अपना WTO, ये कनेक्शन है। पहले गैट हुआ करता था और अब फाइनली ये WTO है। आपको ये सब याद रखना है, गैट का फुल फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं अच्छे से और एक बार इसको लिख देता हूं, टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। ये है गैट का फुल फॉर्म, इसी के साथ में गैट आता है 1947 में, ये भी आपको याद रखना है। प्लस इसके बाद में गैट के साथ होता क्या है कि 1994 में उरुग्वे राउंड खत्म होता है, फिर उसके बाद में मैराकेश एग्रीमेंट किया जाता है जिसके तहत WTO बनता है। तो अब WTO बनने के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ था भाई साहब, तो मैराकेश एग्रीमेंट हुआ था। मैराकेश कहाँ है, मोरक्को में, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन कौन सा एग्रीमेंट हुआ था ये जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। यस नॉट अ स्पेशल, ओके ओके ओके। इसके अलावा गैट का फुल फॉर्म आपको अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे नहीं पूछेंगे, गैट के एस्टेब्लिशमेंट कब का है पूछेंगे, मेंबर कंट्रीज पूछ ले सकते हैं WTO के बारे में। अब WTO का वर्किंग या फिर WTO क्या क्या काम करता है, फंक्शंस और इन सब चीजों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि WTO में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर सारे देशों के अपने अपने लोग वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे देशों के लोग इन्वॉल्व होते हैं धीरे धीरे करके सब लोग, और फिर ये लोग रिपोर्ट करते हैं या फिर ये लोग बनाते हैं एक जनरल काउंसिल। क्या बनाते हैं, एक जनरल काउंसिल बनाते हैं, जनरल काउंसिल, ठीक है। इसी जनरल काउंसिल का काम होता है फिर बाकी सब कुछ देखना, जैसे क्या, डिस्प्यूट को सेटल करना, ठीक है, डिस्प्यूट को सेटल करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, इसी का काम है, डिस्प्यूट सेटलमेंट इसी का काम है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो इसको आप लिख लीजिए, बॉक्स कर लीजिए भाई साहब, बहुत जरूरी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये भी बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, डिस्प्यूट सेटलमेंट के अलावा वो क्या करते हैं, ठीक है, WTO कहाँ है, ठीक है, ये अच्छी चीज है, ठीक है। WTO का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, जिनीवा में। हाँ, डिस्प्यूट सेटलमेंट है भैया, डिस्प्यूट सेटलमेंट कर लिया, यानी कि दो कंट्रीज जिसमें अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई अगर मतभेद हो रहे हैं, तो उसके बारे में बातचीत करना, ये उनका काम है। इसी के साथ में इनका एक और काम है जो इसमें सबसे मतलब बड़े तरीके से डील करते हैं, कि जो ये बोलते हैं कि भाई साहब अगर कोई देश आपस में ट्रेड कर रहा है तो इनकी पॉलिसी कैसी है, कोई किसी को फेवर कर रहा है क्या, क्यों कर रहा है, यानी कि ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, कोई देश आपस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यस जिनीवा में है, ठीक है, लिख लो भाई साहब अगर चाहिए तो, जिनीवा स्विट्जरलैंड, किधर है इसका हेडक्वार्टर, जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना दादा सत्य सर अपने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये सब अपन रिजल्ट के बाद बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में रणवीर, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट्स आपके कई क्लासेस के बारे में आप बताकर जाते हैं कि भैया कैसे इसमें डील होता है, ठीक है। इसमें 23 मेंबर्स है ना, दिस वुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर इकोनॉमिक मैटर्स, नॉट नेसेसरली ओनली फॉर इकोनॉमिक मैटर्स, दिस वुड एक्सक्लूसिवली बी फॉर द ट्रेड एंड टैरिफ्स जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, लेकिन मोर ऑफ अ ग्लोबल लेवल जिसके हम बात कर रहे थे, ठीक है। सिर्फ ट्रेड और टैरिफ की बात अब तक हम कर रहे थे, अब ये लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे, यानी कि ऐसी चीजें,
देखो सबसे बेसिक फर्क बताता हूं अनन्या, इसके पहले क्या होता था कि गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी जाती थी। गैट क्या करता था, गुड्स और सर्विसेज की बात करता था। गुड्स मतलब क्या, चीजें जिसको बेचना हो, लेना हो, खरीदना हो, इसकी बात करता था। सर्विसेज मतलब क्या, अगर कोई होटल में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में गैट बात कर लेता था। लेकिन फिर अचानक से आता है इंटरनेट और तब जरूरत महसूस होती है लोगों को अपनी चीजों को कंट्रोल करके रखने की। कंट्रोल क्या मतलब, भाई साहब मेरी एक चीज है, मैंने अपने आप को कोई बोला, मैंने बोला कि चलो ठीक है मैंने एक चीज खरीदनी है, ठीक है, या मैंने चीज बनानी है, वो बनाई बनाई हुई चीज डिजिटल है। इफ आई हैव रिटन समथिंग दैट इज सो प्रेशियस दैट इट कैन गिव मी करोड़ ऑफ रुपीज, देन आई विल हैव टू प्रोटेक्ट इट एट एनी कॉस्ट, एंड दैट प्रोटेक्शन कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। और अगर जब तक मैंने कोई चीज लिखी है, इसके पहले क्या होता था, इसके पहले मैंने उसको पब्लिश करना पड़ता था। यस इंडिया भी है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, मैंने बताया ना आपको गैट का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो गैट ही WTO बना, तो इंडिया इसका मेंबर बिल्कुल है। इसमें 23 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी है जिसमें ईरान इराक जैसे लोग भी आते हैं, इराक है, लीबिया है, ये लोग ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम आने के बाद मेंबर भी बन जाएंगे, अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ तो अनन्या का सवाल था, अच्छा सवाल अनन्या। हाँ तो इकोनॉमिक मैटर्स के साथ साथ अब हम लोग IPR को भी देखेंगे, क्योंकि चीजें बदल हो चुकी थी, हम लोग एक ग्लोबल विलेज की तरीका बढ़ रहे थे, तो यहां पर जो एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उसको डील करने के लिए WTO को बढ़ना ही था, चेंज होना ही था समय के साथ में, इसलिए चेंज हुआ है। अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक मैटर्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में वर्ल्ड बैंक है, IMF है, लेकिन पर्टिकुलरली ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई चीज बेचना या खरीदना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो रहा है, ट्रेड इज बेसिकली व्हाट, ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट, नॉट नेसेसरली गुड्स, ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज माइट बी ट्रेड एज वेल, ठीक है। मुझे आपको एक आइडिया सेल करनी है, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेड, दैट सम हाउ इफ यू विल पे मी, दिस इज काइंड ऑफ सर्विस, मे बी टीचिंग कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर, राइट, आई एम गिविंग यू सम सर्विस, आई एम टीचिंग यू, दैट्स काइंड ऑफ सर्विस, राइट। एंड वंस इट हैपेंस, ऐसे लगे हाँ ठीक है चलो भाई फाइन, आप उसके बारे में मुझे अगर इफ यू आर पेइंग मी समथिंग देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ सर्विस, राइट, यू आर पेइंग मी फॉर व्हाट आई एम सर्विंग यू, ठीक है, अपनी इंग्लिश में बनाना, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस पर आपको फोकस करना है कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दैट्स अ वेरी नाइस, यस भूटान लीबिया एंड दैट्स अ वेरी, है ना, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पहले गैट इसमें डील करता था, IPR जो है वो सिर्फ और सिर्फ WTO के आने के बाद ही इसके अंडर आया है, जैसे ट्रिप्स वगैरह है, ठीक है, हाथ नहीं बहुत बात तक, कोई बात नहीं, होता है बेटा शाम भी होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करना हो गया, है ना। इसी के अलावा इसमें तीन चार और चीजें आती है, गुड्स आती है, IPR आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल आती है, वो भी बताता हूँ अब आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक इन्होंने बना रखी है गुड्स काउंसिल, ठीक है, गुड्स काउंसिल किसके बारे में डील करेगी, मैं आपको बेसिक एकदम लेमन लैंग्वेज में, कॉटन यानी कि एक प्रोडक्ट है ना, कॉटन क्या है, प्रोडक्ट है कहीं से इधर उधर भेजने का, है ना, है ना, इसके तौर पर ही अटैक किया था क्या, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था बेटा, ये WTO है, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो इंडिया में भी है, कई जगह पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडिया शुरू से 1947 से इसका मेंबर है, बच्चे भारत 1947 से इसका मेंबर है और WTO बाद में बना है 1994 में, ठीक है, तो इसलिए भारत हमेशा से इसका मेंबर रहा है, कोई साल याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ये कब स्थापित हुआ है इसका साल जरूर याद रखने की आपको जरूरत है, जो आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, है ना, इसमें एग्जांपल मैं आपको मैं बता देता हूं कि गुड्स में क्या आता है, कॉटन आता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल आता है, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, ठीक है, यानी कि गाड़ियां वगैरह जो आप बेचते हैं ये गुड्स के अंदर आते हैं, ये इसके इसको डील करने के लिए यहां पर बना हुआ है एक गुड्स काउंसिल, ठीक है। फिर एक बना हुआ है सर्विस काउंसिल, ठीक है, सर्विस काउंसिल जिसमें आप कॉल सेंटर्स को ले लीजिए, फिनांस को ले लीजिए, ठीक है, फिनांस को ले लीजिए, होटल्स को ले लीजिए, होटल्स एंड लग्जरी को ले लीजिए, इसके लिए बना है सर्विस काउंसिल, यानी कि दो देशों के बीच में या दो कंपनीज, कोई भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, किसी कोई भी होंगे, उनके बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए। और फिर आता है IPR, है ना, IPR या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनका अपना एक अलग काउंसिल है जो अब WTO के तहत बना हुआ है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। IPR काउंसिल के तहत या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल के तहत डील किस बारे में की जाती है वो भी बता देता हूं। डील की जाती है, जैसे अभी हम मेडिसिन की बात कर रहे थे, एक मेडिसिन भारत की एक कंपनी ने बनाई, उसमें उसमें बहुत सारा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर ऑफिस है, बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के वहां पर ऑफिस होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ऐसी बिल्डिंग है जो मैं बना सकता हूं खुद और उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम दे सकता हूं, अगर मैं उस कंपनी से बात कर लेता हूं तो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस के तरीके काम करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया की कंट्रीज में किस किस प्रकार का व्यापार हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देता है, उस व्यापार में कुछ गलत सलत ना हो
रहा हो इसके ऊपर ध्यान देता है। कोई एक कंट्री किसी एक कंट्री को सस्ते माल बेच रही है, किसी को अगर खराब माल बेच रही है, या कहीं डंपिंग कर रही है अपना माल वहां पर भेज के महंगा, वो सब कुछ चीजें हैं। टैक्स जरूरी नहीं कि रिड्यूस करे, टैक्स उसको एडजस्ट करके देता है। अगर कोई कंट्री ये फील करती है कि हमारे ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हमें फ्री एंड फेयर मार्केट नहीं मिल रहा है, तो वो जाके WTO के पास इस बारे में कंप्लेन कर सकती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बताता हूं कि भारत में हुआ ये कि भारत में एग्रीकल्चरल गुड्स जो है, यानी कि खेत का माल जो अगर हम बेचने जाते हैं, तो शुगर केन वगैरह जैसे क्रॉप्स है, उनको भारत ने बोला था, शुगर केन को तो हमने अलग से रखा हुआ है, लेकिन 22 क्रॉप्स ऐसे हैं भारत में जो कि आते हैं, हमने बोला हुआ है कि भैया इनको आपको जरूर और जरूर आपकी जो प्राइस आपको चाहिए होगी वो आपको मिलेगी। हमने बोला ठीक है चलो अच्छी बात है। तो MSP की जब हम बात करते हैं, तो भारत में MSP दिए जाने के ऊपर से कई सारी कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग WTO में कंप्लेन करने के लिए चले गए थे कि भारत अपने देश में MSP से क्रॉप्स को खरीद रहा है और ये गलत है, इसकी वजह से एक फेयर मार्केट नहीं रह पाएगा, इसके वजह से कई बार एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा घमासान हो सकता है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। तो ये किस्से से आप इसको जोड़ के देख लीजिए कि किस प्रकार के केसेस में देश एक दूसरे के खिलाफ इस जगह पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने MSP की बात करी, यस वेरी गुड है ना, MSP की बात करी, तो वो एक किस्सा था जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको इतना ही पैसा देना होता है, 10% तक ही आप दे सकते हैं उसका, भारत ने 13% तक भी दिया था, काफी पैसे अपन उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दे रहे थे, तो उसको लेकर यहां पर एक झगड़ा था जिसके लिए वो हम WTO में गए थे। तो WTO इन सारे मामलों में डील करता है। एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कई सारा पैसा खर्चा करती है रिसर्च करने में, वो रिसर्च करना चाहती है इसलिए वो कई सारा पैसा खर्च करती है, और फाइनली उस रिसर्च का फल उन्हें मिलता है और एक अच्छी दवा वो बना लेते हैं। जैसे उन्होंने वो दवा बनाई, वैसे ही उस दवा का फॉर्मूला वो जाके पेटेंट कर देते हैं, यहां पर जाते हैं IPR के पास में जाते हैं और उसको पेटेंट कर देते हैं। ठीक है, और पेटेंट करके बोलते हैं कि अगर अगली बार से ऐसी कोई भी दवा बनेगी तो उसका पैसा हमको मिलना चाहिए, अदरवाइज हम उसके खिलाफ केस लड़ेंगे और ये बोलेंगे कि हमने इसको पहले डेवलप किया था भाई साहब, ये हमने किसी ने हमारा चुरा लिया है। इसीलिए जब आप कोई नई चीज डेवलप करते हैं तो उसके लिए पेटेंट कराने के लिए जाए, ऐसा हमेशा हम कहते हैं, पेटेंट कराना। ठीक है, यस, फ्रॉम वेयर, ओके, Adopt fund, yes, that's a very nice question. WTO do not necessarily provide fund to countries, just exactly like IMF does, या World Bank does, ठीक है? मैक्सिमम में सेल करता है। तो WTO अपना फंड जो है वो कंटिन्यूसली लेते हैं, ठीक है? दो बार पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स में भी, इससे अच्छा है उनको साथ में ले आओ, ठीक है? ओके, अच्छी बात है निकिता, अच्छा सजेशन आपने दिया है, लेकिन एक मंथली वाला जो है ना, जो आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उसको मैं लेकर चढ़ रहा हूँ साथ में, कि हम मंथली वाले को भी लेकर आऊँ साथ में, उनको अगर मंथली बता रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं, मुझे बाद में बताना ही है, तो उसका मटेरियल मैं बना रहा हूँ अभी। अभी हम लोग एक करंट सिनेरियो में चल रहे हैं, बाद में हम उसको एक साथ लेकर आएंगे। अच्छा सवाल पूछा वंशिका ने कि सर WTO एड ऑफ फंड, ओके, WTO को फंड कहीं देना नहीं है, उनको सिर्फ एक वर्किंग चलानी है, अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए हम लोगों ने एक बनाए रखते हैं एक बैलेंस शीट कि आपको इतना पैसा इस साल इसमें जमा कराना है, इतने पैसे आपको देने हैं, तब ये फंड चल पाए, या फिर तब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल पाएगा और ये फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर पाएगा। और मोस्टली इसमें ऐसा होता है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा फंड देते हैं वो इसको डोमिनेट करते हैं, जैसे कि आप वेस्ट को देख सकते हैं, वेस्ट पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है जैसे कि आप जानते हैं, तो ये सब चीजें इसमें इस प्रकार से वर्क करती हैं। इसमें एक पर्टिकुलरली कोई ऐसा फंड का ये नहीं है कि हाँ इसको आपको याद रखना है, जैसे IMF में था तो मैंने आपको बताया कि USA का वोट शेयर ज्यादा है, USA ज्यादा फंड देता है, जैसे WHO में बात होती है, WHO में भी USA ज्यादा फंड देता है, तो ऑब्वियसली द कंट्री हु अर्न्स मोर वर्क्स ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन मोर फॉर्मेट। ठीक है, एंट्रेंस कम करेगा, ठीक है, वो ट्रेड में एंट्रेंस कम करेगा, ओके, कौन ट्रेड में एंट्रेंस कम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि भैया WTO कैसे काम करता है। गुड मॉर्निंग मुकेश, WTO कैसे काम करता है, WTO बेसिकली डील करता है लड़ाई झगड़ों के मामले में, या फिर किसी एक दूसरे के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके मामले में, या फिर जरूरी है कि डिस्प्यूट हो रहे हैं भैया, ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट हो रहा है तो इसलिए ये काम करेगा, हो सकता है कि भाई साहब कोई नया रूल सेट करना हो, नया रूल बनाना हो ट्रेड को लेकर, तो WTO कोई बॉडी चाहिए ना जो इसके बारे में रूल बनाएगी, हर देश के अपने रूल्स होते हैं, वैसे इंटरनेशनली भी कोई रूल्स होने चाहिए, तो वो लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस बारे में WTO डील करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, इट्स वेरी बेसिक, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे लोग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, आपको इस पर ध्यान देना है, फोकस करना है हमेशा। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ था जो बात करता है किस बारे में, वो समझ लेते हैं। ठीक है, हिंड्रेंस, हाँ हिंड्रेंस कम करेगा, बिल्कुल कम करेगा, देखो हाँ हिंडरेंस कम करेगा, एक स्मूथनेस लाएगा, दैट्स अ वेरी नाइस इनपुट, होता है ऐसा करता है। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको किस प्रकार से हम लोग डील करते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलरली आर्टिकल आया हुआ था जो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था ना, हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, नहीं उसका हमें कोई सेंस नहीं भाई, उसको हम पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, कर्व्ड लेफ्ट, यानी क्या है, क्लासेस चालू हो रही है ऑफलाइन, लेकिन फिर भी IAS या एस्पिरेंट जो है वो कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ना चाहते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते, इसका हम क्या करेंगे,
ये अपने एग्जाम में कहाँ काम आए, कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे आर्टिकल है जो अपने को लगते हैं या बड़ी जगह लिखाते हैं न्यूज़पेपर पे, वो अपने काम के नहीं होने चाहिए, अपने काम के होने चाहिए भाई साहब। ठीक है, अपने काम का क्या, एक हाइपरसोनिक के ऊपर एक डेटा आया हुआ है, वो अपने काम का है, उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, या यूल गेट मॉड्यूल्स ओवर दिस। जो चीजें अभी इमीडिएट इंपॉर्टेंट की नहीं है ना, इंपॉर्टेंस की नहीं है, उसके ऊपर यूल गेट मॉड्यूल्स। जो इमीडिएट इंपॉर्टेंस की है उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, जैसे कि WTO हमने पढ़ रखा है पर आज हम इसको वापस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ऐसा कि हाँ भाई क्या WTO क्या है, क्यों आया था, क्या चीज है, सब कुछ देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो है संजय गुब्बी, इन सब ने, सर ने एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल ये बोलता है, या जो इन्होंने लिखा यहाँ पे, ये कहता है कि भाई साहब ये बोल रहे हैं हम इन द नेम ऑफ गुड, तो एक बेसिक आर्टिकल का क्रक्स बता देता हूँ मैं आपको, है ना, मजा आ रहा है। हाँ तो जॉब वाले बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे, तो फिर भी बेचारे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले तो अपने डिसीजन से नहीं जाते हैं। ठीक है, यस ओके विधि, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं। फॉरेस्ट पहले बहुत दुनिया भर में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे, अब दुनिया भर के लोगों ने बोला कि अरे यार बहुत फॉरेस्ट कट गए हैं, बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पेड़ लगाओ बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन कोई सेंस होता है पेड़ लगाने का? आप कोई भी पेड़ कहीं भी लगा दोगे क्या ऐसा चलेगा? मेरे मन में आया कि मैंने यहाँ पर सेमी डिसीडियस में एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला पेड़ लगा दिया, क्या ये चलेगा? मैं गया और मार्शी लैंड पे, जहां पर जमीन में पानी आ रहा है, एकदम गिलगिली जमीन है, दलदलीय जमीन है, और वहां पर जाके मैंने नीम का पेड़ लगा दिया, कैसा चलेगा? मुझे वहां के अकॉर्डिंगली, वहां के क्लाइमेट को देखते हुए, वहां के वेदर, वेदर को तो नहीं, क्लाइमेट को जरूर देखेंगे, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है मुझे कोई बता सकता है तो जरूर बताना। वहां के क्लाइमेट को देखते हुए मैं ये करूंगा कि अच्छा चलो ठीक है ओके, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है तो मैं फटाफट इसको एनालाइज करूंगा और वैसे पेड़ वहां पर लगाऊंगा। इसके अलावा अगर एक और बोल रहे भाई बेहतर ऑप्शन है मैं दे रहा हूं, भाई साहब जो पेड़ लगे हुए उसको मत काटो कम से कम, ठीक है, कहीं भी कोई भी पेड़, और ये बोल रहे कि अफॉरेस्टेशन कर दो। किसी ने बोल दिया कि हमें फॉरेस्टेशन करना है, मतलब यानी कि हमको जाके पेड़ लगाने, अच्छी बात लगा दो अफॉरेस्ट बहुत बड़ी, लेकिन कहीं भी कोई भी पेड़ लगा रहे जिसको कोई सेंस ही नहीं है, जो पेड़ आगे जाके जिएंगे मरेंगे, उनकी वजह से वहां फायदा होगा, इकोसिस्टम बहरेगी, नहीं कुछ नहीं पता है। इनका मानना है कि ऐसी जगह पेड़ लगाइए, क्योंकि जंगल एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो नेचर खुद बनाता है, हम मैनमेड जंगल नहीं हो सकते, मैनमेड जंगल कॉन्क्रीट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैनमेड जंगल बनाना है तो इसको पहले हमें समझना पड़ेगा, इसके पहले हमको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से पेड़ कहां पर अच्छी तरीके से उग सकते हैं, फिर हम वहां पे उसको प्लान कर सकते हैं। इन्होंने यहां तक अपने क्लेम ऐसा नहीं बोले, उन्होंने बोला कि डिटेल दी है नेटिव स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज, जैसे मैंने आपको उसने बताया था ना कि एप्पल, अगर मैंने, देखो सिंपल सा लॉजिक है, ठंड प्रदेश में एप्पल अगर होते हैं, मान लीजिए ठंड प्रदेश में एप्पल का अच्छा उपजाव होता है, उसी में हमने डाला है ना, क्लाइमेट वातावरण वेदर मौसम, अच्छा ठीक है, ये ट्रांसलेशन पूछा क्या मैंने, मतलब पूछा मैंने, ठीक है, तो एप्पल अगर मैंने राजस्थान में एप्पल के पेड़ लगा दिए तो मे भी, देखो भाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होएंगे, फिर और वैसे ही राजस्थान जैसे एप्पल होंगे ना, मतलब वो इस टाइप के थोड़े एप्पल हो जाएंगे जो, मतलब पता नहीं कैसे, पर ठीक है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि भाई साहब ऐसी चीजें लगाओ जो कहीं पे हमें काम में आए या फिर वो रिलेट कर सके। इसके बारे में डेटा जो है वो ये कहता है कि भाई साहब भारत का अपना एक नेशनल अफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट बोर्ड है, NAEB है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसको ले लीजिए, ये 1992 में या फिर 1992 में बना था। ठीक है, वेरी गुड अनन्या, वेदर इज फॉर शॉर्ट टर्म वाइल क्लाइमेट चेंज गिव्स द एवरेज ऑफ सेट ऑफ वेदर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स वेरी गुड, दैट्स हाउ वी से इट, है ना, क्लाइमेट टेक्स टाइम टू चेंज बट वेदर इज वेदर चेंजेस क्विकली, दैट्स वेरी गुड। वंशिका होता यह है, एक बात समझ नहीं आई, क्या पेपर बैग बैन किया ट्रीज कार्टन की तरफ से, प्लास्टिक आया प्लास्टिक बैन कर दिया बट पेपर बैग वापस, ना 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 मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, वेरी गुड अनन्या एंड वंशिका, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हम लोग उसको देखते हैं, क्लाइमेट इज व्हाट, इफ यू आर सेइंग दैट राजस्थान का क्लाइमेट इज अराइड या अरेड जैसे आप उसको बोलते हैं, ठीक है, तो या फिर सूखा क्लाइमेट है अगर आप ये कहते हैं, देन इट गोज दैट वे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि किसी जगह का वेदर, यानी कि इस महीने में वहां का वेदर कैसा रहने वाला है इन जनरल, या फिर इस 15 दिनों में हाउ वुड बी द वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, दिस इज हाउ इट गोज, this is how you define it, yani ki weather is for short term and climate is a study that concludes about a longer term of time ya fir longer span of time that how exactly the weather is going to be there, how exactly the atmosphere is going to be there, atmosphere to nahi bolenge usko, lekin ha barish hone wali hai kya, agar barish hone wali hai in 2-3 dino mein, agar wahan par badal rehne wale, barish hone wali hai to iska matlab kya ho jayega, iska matlab basically wahan par ab aisa weather hoga, theek hai, customer honge, theek hai, ghar pe aap apple ka tree laga hai but lagte nahi, are allah pata, theek hai, अरे ठीक है,
तो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन गौरव, बट ठीक है वो आपको ऐसी समाज है या एक सोशल सिस्टम है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ में हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है भैया कि ये क्या करता है, ये जो एनएवी यहाँ पर दिया हुआ है ये करता है क्या, ये वेस्टर्न हिमालयाज में, अरावलीज में, वेस्टर्न घाट्स में, ऐसे जो जो फ्रेजाइल का मतलब क्या है, जहां नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे एरियाज में ये जाके पेड़ों को लगाता है, अफॉरेस्टेशन करता है, वहां के पेड़ों को कम नहीं होने देता है, ठीक है। एनएवी का मतलब क्या है, ये क्या करता है कि भाई साहब जहां फॉरेस्ट ऑलरेडी थे लेकिन वो डिग्रेड हो चुके हैं, ठीक है, पैसे का पेड़ लगाया है कुछ मेरे इधर भी भेज देना, मैं एड्रेस लिखवाता हूं, इधर क्लास के बाद में कमेंट आएगा उधर मेरा एड्रेस होगा, कुछ पैसे मेरे इधर भिजवा देना बेटा, ठीक है। और इधर ऑलमंड बहुत बढ़िया, मैं एड्रेस लिखवाऊंगा, जिसके पास ऑरेंज है, आलमंड है, ग्रेप्स है, पैसे का पेड़ है, एप्पल है, सब लोग उस एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दे, कूरियर का पैसा मैं नहीं देगा, पहले बता रहा है, आगे बढ़ते हैं, इट्स अ टाइम। तो आई होप यू हैव गॉटन इट एंड आई हैव यू गॉट इट। और उसके अलावा एक और चीज थी, वो कल हम देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। सबसे पहले मेरी फोटो देखी, ठीक है, अभिषेक इट हर्ट्स व्हेन यू आस्क मी क्वेश्चन कैजुअली बट व्हाट आंसर आस्क, सॉरी सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम अभिषेक, इट्स ओके, आई इवन आई से सॉरी, आई मीन आई विल से सॉरी इफ यू थिंक दैट आई हैव हर्ट यू इन सम वे, ओके, तो इट्स ओके। फिर पहले मेरी फोटो, फिर आइंस्टाइन की फोटो, फिर भगत सिंह जी की फोटो, राजगुरु, इन लोग की फोटो, फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखी कि किस, एक क्वेश्चन देखा आईएमएफ के बारे में, थोड़ा डेटा देखा, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों ने फ्रंट पेज देखा, फिर कुछ मूवीज देखी जो समाज में बदलाव ला चुकी है लेकिन उसने किसी को डिवाइड नहीं किया, समाज में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं लिया है, इसके बारे में बात करी। पोमग्रेनेट भी है, सब भेज देना भाई, सो सब चीज के बाद जो जो सब भेज देना, ठीक है, ये आर्टिकल कल हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज हमने एक फॉरेस्ट के बारे में आर्टिकल था वो भी देख लिया, और फिर सबसे एंड में देखा है, थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, पसंद आई, मजा आया, जिनके पास जो जो है मुझे फॉरवर्ड कर दे, बिल्कुल, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, यू कैन रीच मी आउट फॉर एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू नीड। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे और जय हिंद।